स्कूल्स को तुरंत खोल दिया जाए, चाहे प्रशासन इसकी अनुमति दे या ना दे। जब आप धरने पर बैठे तो आप स्कूल भी खोल सकते हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को ये बात सुननी पड़ेगी और स्कूलों को खोलना पड़ेगा। इतनी ताकत, इतनी एसोसिएशन हम लेकर के जाएंगे, वो हमारी बात मानेंगे। यदि उन्होंने नहीं बात पर भी हमारे अमल किया तो हम बच्चों का हित देखते हुए, शिक्षा का हित देखते हुए और बड़ा आंदोलन करके एक उनको चेतावनी देंगे और अपने स्कूलों को खोल देंगे। तीसरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मांग को लेकर आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राजीव कॉलोनी के कंचन पब्लिक स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 6 जिलों के स्कूल एसोसिएशन के प्रधानों ने अपने क्षेत्र के स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया। बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल के प्रधान चंद्रशेखर शर्मा ने आए हुए स्कूल संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर स्कूल संचालक अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। स्कूल संचालकों ने एसोसिएशन के माध्यम से पहले भी सरकार को मांग पत्र दिया था, जिसमें लॉकडाउन के चलते स्कूलों के दयनीय हालत के चलते सहयोग की मांग की गई थी। आज बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि सभी जिलों के एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने अपने जिले में 30 दिसंबर को सरकार को ज्ञापन देंगे। अगर उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होती है तो निजी स्कूल संचालक तीसरी तथा आठवीं तक के स्कूलों को स्वयं खोल लेंगे। लेकिन अब डू एंड डाई का समय है, मतलब यह है कि नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, 2-3 महीने का टाइम आपके पास है। अगर अभी स्कूल नहीं खुले तो आप नेक्स्ट सेशन को भी भूल जाइए। हर स्कूल से जो बच्चे जाने वाले हैं, 300 से 400 बच्चे कम से कम चले जाएंगे। नर्सरी टू थर्ड का जो बच्चा है वो टर्न अप नहीं हुआ है और ना ही वो होने वाला है, ना ही वो आपको फीस देगा, ना ही वो आपसे टीसी लेगा। तो इसलिए सभी से मेरी तो यही अनुरोध है कि स्कूल्स को तुरंत खोल दिया जाए, चाहे प्रशासन इसकी अनुमति दे या ना दे। जब आप धरने पर बैठ सकते हैं तो आप स्कूल भी खोल सकते हैं। सभी स्कूल्स को तुरंत खोल दिया जाए और एक भी स्कूल ऐसा ना रहे जो ना खुले। अगर सरकार कार्यवाही करेगी तो सभी के खिलाफ करेगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी इसमें एक मत है तो ठीक है सर, मेरा मत तो यह है कि सभी स्कूल्स खोल दिए जाए। थैंक यू सर। देखिए मैम, अभी तक एक भी केस कोरोना का नहीं आया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा स्कूल जिस एरिया में है, होडल और पर्वल एरिया में, कोई भी कोरोना केस ही नहीं है। यहाँ तो अगर किसी एक स्कूल में कोई केस मिल गया तो पूरे के पूरे स्टेट के स्कूल्स को बंद कर दिया गया, वो उचित डिसीजन नहीं है। आगे रणनीति यह है सर, सभी पदाधिकारी यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। पहले तो जैसा कि चंद्रसेन जी ने कहा कि हम लोग ज्ञापन देंगे, सरकार के आगे अपनी मांग रखेंगे कि स्कूल्स को तुरंत खोल दिया जाए। सर देखिए, जब बच्चा भूखा मरता है तो क्या करता है, वो रोटी को चुरा के खाएगा, तो हम भी क्या करेंगे, सरकार के आदेशों की अवहेलना ही करेंगे, मैं तो यही कहूँगी। आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हमने 6 जिलों के एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस बियर हैं, ये उनकी मीटिंग आज बुलाई है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं इस मीटिंग में कि हम सरकार से ये प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम सभी जिला मुख्यालयों पर हम लगभग 30 तारीख की विचार कर रहे हैं कि ज्ञापन दें, अपनी बात रखें, जिससे हमारी बात सुनी जा सके। और हमारे जो स्कूल बचे हुए हैं, अभी 9वीं से 12वीं उन्होंने खोल दिए हैं, 3री क्लास से कम 8वीं क्लास के भी और खोले जाएं, ये हम उनसे अर्ज करेंगे। जिला मुख्यालयों पर सभी जिले ये ज्ञापन देंगे। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पलवल, नुहू, मेवात सारे जो एसोसिएशन है, और एक फैसला ले रहे हैं कि हम अपने विधायकों को लेकर के सभी फरीदाबाद, पलवल, नुहू के, और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे। और यदि उन्होंने हमारे, मैं समझता हूँ यदि शब्द नहीं आएगा, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को ये बात सुननी पड़ेगी और स्कूलों को खोलना पड़ेगा। इतनी ताकत, इतनी एसोसिएशन हम लेकर के जाएंगे, वो हमारी बात मानेंगे। यदि उन्होंने नहीं बात पर भी हमारे अमल किया तो हम बच्चों का हित देखते हुए, शिक्षा का हित देखते हुए और बड़ा आंदोलन करके एक उनको चेतावनी देंगे और अपने स्कूलों को खोल देंगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।